लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए हमीरपुर जिला के अंकुश ठाकुर के परिजनों को सांत्वना देने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कड़ौता पहुंचे। उन्होंने शहीद के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और देश के लिए शहादत का जाम पीने वाले अंकुश ठाकुर के परिजनों को सरकार की तरफ से 20 लाख की राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद के छोटे भाई को 18 साल की उम्र पूरा होने के बाद सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही शहीद के चाचा के लड़के को भी किसी सरकारी विभाग में नौकरी दी जाएगी। बताते चले कि भारत चीन LAC विवाद में 15 जून को हमीरपुर के कड़ौता निवासी 21 साल का अंकुश ठाकुर शहीद हो गया। 19 जून को शहीद का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव पहुंचा। वीरगति प्राप्त करने वाले इस जवान को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शनिवार को पीड़ित परिवार के घर सांत्वना देने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे। शहीद जवान अंकुश ठाकुर साल 2018 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। शहीद के पिता और दादा भी भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। 10 माह पहले ही अंकुश रंगरोटी काटकर घर आया था और उसके बाद उसने ड्यूटी ज्वाइन की थी। शहीद का छोटा भाई अभी 6ठी में पढ़ाई कर रहा है। मुख्यमंत्री ने शहीद के चाचा सुनील ठाकुर के बेटे संदीप को भी नौकरी देने का आश्वासन दिया है और कहा कि शहीद के भाई को 18 साल की उम्र पूरी करने पर नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शमशान घाट और PHC कड़ौता को बड़ा करने और प्राइमरी स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने की घोषणा भी की। और ऐसी परिस्थिति में जो बेहतर हमसे किया जा सकता था वो करने की कोशिश की। भले ही इन दिनों में मामले हिमाचल प्रदेश में भी बढ़े हैं, लेकिन बढ़ने की वजह यह है कि वो सारे के सारे मामले जो दूसरे प्रदेशों में हिमाचल के लोग रहते थे वहाँ से वापिस आ रहे हैं और वो संक्रमित होकर के आ रहे हैं। बड़ी संख्या बड़ा नंबर उसमें है। हिमाचल का जो अंदर का जो इसमें जो कोरोना में जो मामले जो आए हैं जो बारिश के कारण प्रभावित हुए थे वो नंबर 60 है, कुल 60, लेकिन अब 600 के पार आंकड़ा हो गया। 600 के पार आंकड़ा होने के बजाय कि हिमाचल के ही हमारे बच्चे, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग जो है दूसरे प्रदेशों में संकट में फंसे हुए थे और ऐसी परिस्थिति में उस संकट से उनको निकालना बहुत ज़रूरी था। वो वापिस अपने घर आए और घर आने से पहले जब हमने उनका मेडिकल चेकअप किया तो उसमें कुछ संक्रमित पाए गए बड़ी संख्या में, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत चिंता का विषय नहीं है, मामले अगर बढ़ गए जो भी आ रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन किए गए हैं और वहाँ से इस संक्रमण से निवृत्त होकर के वो जाएंगे, स्वस्थ होकर के घर जाएंगे। और उसी तरह से जो संक्रमित नहीं हैं, जो सीधे बाहर से दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, उनको होम क्वारंटीन कर रहे हैं और होम क्वारंटीन में भी हमने यही रखा है कि उसमें भी किसी को भी अगर थोड़ा सा सिम्टम कहीं दिखता है तुरंत जहाँ कोविड टेस्ट किया जाता है। तो इस दृष्टि से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने छोटे छोटे इनिशिएटिव जो लिए हैं उसका लाभ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की है, दृष्टिकोण मीटिंग इस बात का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हुई थी सभी, तो उसमें भी उनने जिक्र किया कि बहुत अच्छा हिमाचल प्रदेश ने किया है और अभी भी हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम भी तरह से उस काम पर फोकस काम कर रहे हैं। सरकार फिर विकास की ओर लौटी है? निश्चित रूप से, अभी हमारा लॉकडाउन समाप्त हुआ है, एग्जिट प्लान के साथ अब हमारा हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश भर में जो अनलॉक फेज वन चल रहा है उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें शुरू हो गई है। हमारी बिजनेस जो है एक्टिविटी शुरू हो गई है, दुकानें खोल दी गई है, हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई काम करने की दृष्टि से, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर ट्रांसपोर्ट हमने शुरू कर दी तो जिंदगी अब चलती हुई दिख रही है। मंत्रिमंडल के लिए क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब अभी? दिव्य हिमाचल TV के लिए भौरन से सतीश शर्मा के साथ लदरौर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। Thank you.
शिक्षा जगत की बगिया में महकते गुलाब जैसे सेंट डीआर पब्लिक स्कूल गगरेट विद्यार्थियों के भविष्य को ऐसे संवार रहा है कि उनकी सफलता की कहानियां पूरे प्रदेश में डंका बजा रही हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित वार्षिक परीक्षा परिणाम में इस स्कूल के विद्यार्थी मेरिट सूची में स्थान पा रहे हैं। इस स्कूल की प्रिंसिपल सरोज शर्मा ने कुछ साल पहले अपने अथाह परिश्रम से शिक्षा का जो पौधा रोपा था वे आज बटवृक्ष बन के विद्यार्थियों के भविष्य को ठंडी छांव दे रहा है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में मेरिट सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थी स्कूल के बारे में क्या राय रखते हैं ये आप खुद जान सकते हैं। गुड आफ्टरनून, मैं अनामिका, मैंने हिमाचल प्रदेश बोर्ड में तीसरा स्थान हासिल किया है प्लस टू क्लास में और मैं सैंडियर स्कूल से नर्सरी टू प्लस टू यहाँ ही किया है और यहाँ का स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छे हैं और यहाँ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम कृतिका है, मैं 12वीं कक्षा की छात्र, तीसरा स्थान प्राप्त किया है पूरे हिमाचल बोर्ड में। गुड आफ्टरनून, आई एम प्राची, आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिस स्कूल सिंस नर्सरी, बहुत ही अच्छा स्कूल है एंड आई हैव गॉट फोर्थ पोजीशन इन हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मैं नर्सरी से यहीं पर पढ़ी हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आओ सेंट डीआर स्कूल को चुने। हिमाचल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित प्लस टू के परिणाम में माउंट व्यू पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भंजाल के छात्र शुभम जसवाल ने जिला ऊना में टॉप किया है जबकि प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। शुभम इससे पहले बोर्ड की 10वीं श्रेणी की परीक्षा में भी टॉप 10 की सूची में रहे हैं। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय स्कूल अध्यापकों विशेषकर स्कूल प्रिंसिपल अंशुल रांटा को दिया है। उन्होंने बताया कि शुभम के टॉप 10 सूची में आने से माउंट व्यू स्कूल भंजाल व प्रबंधन कमेटी का नाम रोशन हुआ है। स्कूल एमडी संजय कुमार ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए स्कूल स्टाफ सदस्यों को बधाई दी है। डीएवी पब्लिक स्कूल लठियाणी शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कई सालों से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है जिसके कारण स्कूल पूरे कुठलेड़ क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के परीक्षाओं में स्कूल का परिणाम प्रतिवर्ष अव्वल आता है, इस बार भी स्कूल का परिणाम बेहतर रहा है। इस बात की पुष्टि कनिका शर्मा का बेहतर प्रदर्शन करता है, उसने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में 96.43 मार्क्स के साथ प्रदेश भर में 17वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं ओशी 94% और आदित्य जसवाल 93%, श्रुति 92%, हितेश्वर 91%, ईशिता वेरुपाली 90% मार्क्स प्राप्त किए। वहीं 13 छात्रों ने 80% से अधिक मार्क्स प्राप्त किए। सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। प्रधानाचार्य श्री नसीब ठाकुर जी ने बताया है कि सब स्कूल के होनहार विद्यार्थियों, अध्यापकों व अभिभावकों के आपसी सहयोग से संभव हो पाया है क्योंकि उनका मानना है कि बच्चों के विकास में अभिभावकों व अध्यापकों का तालमेल जरूरी है। पिछले कई वर्षों के परीक्षा परिणाम के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने इस बार भी ये सच साबित कर दिया है कि डीएवी लठियाणी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।